ए फिल्म भविष्य पर आधारित है। जब सूर्य के करीब विस्फोट होता है तो सौर तूफान होते हैं, वे पर्यावरण पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं। वे खतरनाक किरणों का उत्सर्जन करते हैं जो पृथ्वी की ओर बढ़ती हैं। दुनिया नष्ट हो जाती है, वहाँ कुछ भी नहीं बचा था, कोई जानवर, पौधे या इंसान नहीं है। 99% मनुष्य मारे गए, केवल 1% मनुष्यों को वहाँ छोड़ दिया गया था। सौभाग्य से वे अच्छे और योग्य इंसान थे। वे दुनिया को पुनर्प्राप्त करना चाहते हैं। वे इसके लिए योजना बनाना शुरू करते हैं। उन्हें लगता है कि इंसान कम है और इंसान ऐसा नहीं कर सकते, फिर से दुनिया को ठीक करने के लिए। इसलिए वे रोबोट बनाने के लिए सोचते हैं। यह योजना अच्छी साबित होती है। कुछ ही समय में कई रोबोट तैयार थे। उनके पास सुपर क्षमताएं हैं, लेकिन उन्हें बनाते समय दो चीजें देखी गई। पहला यह है कि वे किसी भी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि मनुष्य अधिक नुकसान उठाने के चरण में थे, क्योंकि वे इंसानों की तरह समझदार थे। दूसरा नियम यह था कि कोई अन्य रोबोट खुद न बनाए, अगर ऐसा होगा तो रोबोट इंसानों की जगह लेंगे। ये रोबोट विकसित हो जाते हैं। वे ऊंची इमारतें बना रहे थे जो इंसानों के लिए फायदेमंद है। वे मनुष्यों के मूल कार्य भी कर रहे थे। इसका मतलब है कि ये रोबोट इंसान खुश थे कि उनके रोबोट अच्छे काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ वर्षों के बाद इन रोबोटों में एक गलती दिखाई देती है और वे काम करना बंद कर देते हैं। एक समय में जब वहां बारिश नहीं हो रही थी, इसलिए वे इन रोबोटों की मदद से बारिश करते हैं। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। मनुष्य भी चिंतित थे क्योंकि कई अधूरे कार्य थे। वे उस जगह से बाहर आते हैं। वे अपनी खुद की एक जगह बनाते हैं और वहां रहना शुरू करते हैं। वे सोच रहे थे कि रोबोट में कोई गलती है, इसलिए वे हमारे साथ सहज नहीं है। यह शायद आगे एक समस्या पैदा करता है, इसलिए वे उन रोबोटों को नष्ट करना शुरू कर देते हैं। अब दृश्य बदल जाता है और हम एक पुलिस अधिकारी को देखते हैं। वह कहीं जा रहा है। वह कुछ अजीब आवाज सुनता है। जब वह वहां जाता है और देखता है कि अंधेरे में एक रोबोट बैठा था, एक पीला रोबोट, यह खुद को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। यह निर्दोष लग रहा था और यह पुलिस अधिकारी से अनुरोध करता है कि मुझे मत मारो, मुझे खुद को ठीक करने दो। लेकिन पुलिस अधिकारी इसे नजरअंदाज कर गोली मार देता है। पता नहीं क्यों यह दृश्य भावनात्मक है। फिर हम एक ऐसे आदमी को देखते हैं जिसका कुत्ता मर गया था। उसके बीच एक रोबोट भी था। वह रोबोट कंपनी को अपने रोबोट को वापस लेने के लिए कहता है। इसने मेरे कुत्ते को मार दिया है। वह उनसे पैसे, बीमा राशि भी मांगता है। वे पूछते हैं कि किस तरह का बीमा। मुझे मेरे पैसे दे दो। एक आदमी जैक वहां जाता है। वह कहता है कि आदमी को चिंता नहीं है कि हम पहले रोबोट का परीक्षण करेंगे। वह एक चाकू उठाता है और उसे अपने हाथ में फेंकना शुरू कर देता है। लेकिन इससे पहले कि वह रोबोट चाकू रखता है, जैक का कहना है कि हमारा रोबोट ठीक है और यह किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। हम आपको पैसे नहीं देंगे। हमारे रोबोट को दोष देना बंद करें। यह कहते हुए वह छोड़ देता है। घर जाकर वह अपनी पत्नी से मिलता है। वे एक बच्चे की उम्मीद कर रहे थे। अगली सुबह जैक को एक संदेश मिला कि हमें एक नष्ट रोबोट मिला है और वे उसे तुरंत वहां बुलाते हैं। जब जैक वहां जाता है तो वह देखता है कि यह वह पीला रोबोट था जिसे एक पुलिस अधिकारी ने गोली मार दी थी। वहां एक लड़की उसे बताती है कि इस रोबोट के हिस्सों को बदल दिया गया था, इसलिए यह रोबोट खुद को ठीक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसे गोली मार दी गई। जैक को यह बात बुरी लगती है। वह अपने दोस्त से कहता है। उसका दोस्त कहता है कि आप पुलिस के काम में हस्तक्षेप क्यों कर रहे हैं। जैक का कहना है कि मैं हैरान हूं कि उन्होंने रोबोट को क्यों नष्ट किया। जैक के दोस्त का कहना है कि यह आपका काम नहीं है। अपने जीवन पर ध्यान दें कि आपको क्या करना है। जैक कहते हैं कि मैं इस शहर से चिढ़ गया हूँ, मुझे समुद्र के दूसरी ओर स्थानांतरित करें। यह भी पता चला है कि जैक की सागर के साथ कुछ यादें हैं और आगे हम इसके बारे में जानेंगे। इसके बाद जैक एक निर्माण स्थल पर जाता है। यह एक उन्नत शहर में था। वह वहां के कार्यकर्ता से पूछता है कि आप रोबोट को क्यों नष्ट कर रहे हैं। कार्यकर्ता उसे बताते हैं कि ये रोबोट अब बेकार हैं, उनमें दोष हैं। हम उन्हें शहर के दूसरी तरफ एक गंदे स्थान पर फेंक देते हैं। उस जगह के लोग उन्हें ले जाते हैं। इसके साथ हमें किसी भी मानव को पहली नजर में शूट करने का भी आदेश दिया जाता है। शायद वे अपने अलग रोबोट बनाएंगे और वे हमारी दुनिया से अलग हैं।
जब जैक देखता है कि यहाँ के लोग दूसरों को गोली मार रहे हैं तो उसे बुरा लगता है। जैक दूसरी तरफ जाता है और वह कई रोबोट देखता है। ऐसा लगता है जैसे वे रोबोट डरे हुए हैं। जैक ने बात करने के लिए रोबोट में से एक के पास जाने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले वह रोबोट खुद को आग लगा लेता है। जैक उदास हो जाता है। वह कंपनी में लौटता है। उसे पता चलता है कि एक रोबोट से परमाणु बैटरी मिलती है। इसका लाभ यह था कि रोबोट घंटों तक चार्ज किए बिना काम कर सकते हैं। यह एक साधारण बैटरी नहीं थी। जैक के दोस्त जो नेता थे, सभी को बैटरी के बारे में पता लगाने का आदेश देते हैं। वह जैक से पूछता है कि आप दूसरी जगह स्थानांतरित करना चाहते हैं, इसका मतलब है समुद्र का किनारा, तो बदले में आपको यह अच्छी तरह से करना होगा। पता करें कि यह परमाणु बैटरी इस रोबोट या अन्य में कहां से आई है, इसे किसने डाला। अब वे सभी यह काम कर रहे थे पता लगाने के लिए, लेकिन जैक कुछ भी समझ नहीं रहा था। वह फिर से उस कार्यकर्ता के पास जाता है। वह कहता है कि यह मानव द्वारा नहीं किया जाता है। हो सकता है कि किसी रोबोट ने इस रोबोट की सेटिंग बदल दी हो, क्योंकि यह किसी भी रोबोट को खुद को नष्ट करने की अनुमति नहीं है। और आप मुझे बता रहे हैं कि रोबोट ने खुद को आग लगा ली है। यह बात बहुत अजीब है। जैक घर लौटता है। वह अपनी पत्नी से कहता है कि शायद हम वहां से स्थानांतरित हो जाएंगे, शायद हम इस शहर को छोड़ देंगे और यहां से बहुत दूर चले जाएंगे। उसकी पत्नी कहती है कि यह कैसे संभव है, मैं गर्भ धारण कर रहा हूँ, इस समय हम दूसरी जगह कैसे जा सकते हैं। वह अपनी पत्नी को यह समझने की कोशिश करता है कि मैं इस शहर में नहीं रहना चाहता। नकली लोग यहाँ रहते हैं, वे किसी की भावनाओं की परवाह नहीं करते। उसकी पत्नी कहती है कि मुझे कोई चिढ़ नहीं है। जैक वहां से चला जाता है, लेकिन वह अभी भी सोच रहा है कि पीले रोबोट को गोली क्यों मारी गई। यह वहां गुप्त रूप से क्या करने की कोशिश कर रहा था, यह खुद को क्यों सुधारना चाहता था। जैक उस जगह पर जाता है जहां उस पीले रोबोट को गोली मारी गई थी। वह वहां जाता है और जांच करता है। वह उस परमाणु बैटरी को वहां पाता है। वह उस रोबोट द्वारा छिपाया गया था। जैक समझ नहीं पा रहा था कि ये परमाणु बैटरी कहां से आई है। वह उस रोबोट को गोली मारने वाले पुलिस अधिकारी को बताता है और उसे बैटरी दिखाता है। वह कहता है कि मुझे तुम्हें एक महिला के पास ले जाने दो, शायद वह यह जानती है। जब वे वहां जाते हैं तो उन्हें वहां एक महिला रोबोट दिखाई देता है। यह सुंदर और चतुर लग रही थी। यह सुनकर पुलिस अधिकारी गुस्से में आ जाता है। पुलिस अधिकारी रोबोट के पैर को गोली मारता है और वहां से चला जाता है। वह जैक को बताता है कि मैंने ऐसा किया है क्योंकि अब यह रोबोट घायल हो गया है। अब इसका मालिक इसे ठीक करने के लिए अपने निर्माता के पास ले जाएगा। हम इसका पालन करेंगे। जैक कहते हैं कि हाँ, मेरा मानना है कि इस रोबोट का निर्माता इस बैटरी को खरीदेगा और हमें बताएगा कि यह कहाँ से आया। पुलिस अधिकारी का कहना है कि आपको मुझे लाभ देना होगा। हम इसे विभाजित करेंगे। फिर वे इसका पालन करना शुरू करते हैं। इसकी कार एक कारखाने के सामने रुकती है। वे अंदर जाते हैं, लेकिन अंदर खड़ी महिला उन पर बंदूक तानती है, लेकिन जैक ने उसे परमाणु बैटरी दिखाई। महिला उनसे पूछती है कि आपको यह बैटरी कहाँ से मिली। जैक कहते हैं कि इसे छोड़ दो, मुझे बताओ कि क्या आप वह व्यक्ति हैं जो इस नीले रोबोट को प्राप्त कर सकते हैं। वह महिला कहती है हाँ, इसके पीछे एक उद्देश्य है। जैसा कि हमने मनुष्यों ने शुरुआत में यह बात बनाई थी कि यह शुरुआत में अच्छा नहीं था, लेकिन हम इसे बनाते रहते हैं, इसे अच्छा बनाया जाता है। हमने ये रोबोट बनाए हैं। क्या आपको नहीं लगता कि अगर हम उन्हें उनके जैसे रोबोट बनाने की अनुमति देते हैं, वे बेहतर रोबोट बनाएंगे। इसके पीछे कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है। वह महिला जैक से अच्छी तरह से बात करती है। जैक वहां से चला जाता है, लेकिन जाने से पहले उसने उस महिला को बताया कि उसे वह रोबोट कहां मिलेगा। रोबोट के पास वह परमाणु बैटरी थी। वह वहां से आता है और वह अपने दोस्त रॉबर्ट को बताता है। जैसे ही शब फैला, जैक को स्थिति को जल्द से जल्द हल करने का काम सौंपा गया। जैक फिर से उस महिला के पास जाता है। वह महिला उसे बताती है कि मैं आपके दिए गए पते पर वहां जाता हूँ। मैंने इस नीले रोबोट में उस रोबोट के सिस्टम को स्थापित किया है। यह चतुर हो जाता है, यह खुद को ठीक करता है, इसलिए मैं सही था कि रोबोट अन्य रोबोट बना सकते हैं। वे इस बीच बात कर रहे थे, दरवाजा खटखटाता है। जैसे ही वह महिला दरवाजा खोलती है, बच्चे बाहर थे, उन्होंने उसे गोली मार दी।
जैक वहां से भाग जाता है और बाहर आता है। वह उस नीले रोबोट के साथ एक कार में बैठा था। कुछ दुष्ट लोग उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं, लेकिन जैक ने उन्हें मार डाला क्योंकि उनकी कार ढह जाती है। यहाँ अगली सुबह जैक बेहोश हो जाता है। जब वह उठता है तो वह देखता है कि वह घायल है। इससे पहले कि वह उठता, वह नीला रोबोट खुद की मरम्मत कर रहा था। इसे देखकर जैक चकित हो जाता है क्योंकि इसमें कई क्षमताएं हैं। इसके साथ वह फिर से सोता है। कुछ समय बाद उसे लगता है कि कोई उसे खींच रहा है। वह नीला रोबोट और तीन और रोबोट उसे कहीं ले जा रहे थे। वे एक रेगिस्तान में थे। जैक उन रोबोटों से कहता है कि उन्हें शहर की ओर बढ़ना है, लेकिन वे रोबोट उसे अनदेखा करते हैं। जैक आगे बढ़ता है, लेकिन वे भी उसका पीछा कर रहे थे। अब क्योंकि जैक घायल हो गया था, इसलिए वह नीचे गिर गया। नीला रोबोट उसे कुछ कीड़े खाता है और उसे पानी पिलाता है, क्योंकि रोबोट इंसानों को बचाना चाहते हैं। यह उनका नियम था, इंसानों को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। इसके बाद वे आगे बढ़ते हैं, लेकिन जैक वापस लौटना चाहता है। वह इन रोबोटों पर भरोसा नहीं करता है। वह उन रोबोटों से कहता है कि मुझे पानी चाहिए। जब रोबोट सुरक्षित दूरी पर होते हैं तो वह अपने बैग से कुछ पकड़ लेता है। वह अपने बॉस को एक संकेत भेजता है कि मैं यहाँ हूँ। उसके बॉस को उसका स्थान पता चल जाता है। जैक के फ्रेंड ने पुलिस अधिकारी से कहा कि वह उस स्थान पर जाए और जैक को छुड़ाए। पुलिस अधिकारी वहां पहुंचे। जैक इसे जानता है और वह रोबोट से कहता है कि मैं वॉशरूम जाना चाहता हूँ, यहाँ रुक जाओ, और वह इस बहाने बनाता है और आगे बढ़ता है। वह एक भड़कने के साथ संकेत देता है, लेकिन वे रोबोट भी उस संकेत को देखते हैं। उन्हें पता चला कि जैक यहाँ से भागना चाहता है। जब वह फिर से उन्हें यहाँ रुकने के लिए कहने के लिए वापस आएगा तो मैं आऊंगा, वे रोबोट उसे अनदेखा करते हैं क्योंकि वे जानते थे। गुस्से में जैक ने अपनी बैटरी गिरा दी। इस बीच पुलिस अधिकारी भी वहां आता है। वहां आकर वह जैक पर एक बंदूक की ओर इशारा करता है। वास्तव में वह उन परमाणु बैटरियों को लेने के लिए वहां आता है। वह उन बैटरियों को लेता है और इसके बाद वह रोबोट की शूटिंग शुरू करता है। लेकिन इससे पहले जैक ने उस पर भड़कीली गोली से गोली चलाई। इसके कारण उस पुलिस अधिकारी की मृत्यु हो जाती है। उसके साथ का आदमी डर जाता है और वहां से भाग जाता है। तब जैक देखता है कि रोबोट खुद की मरम्मत कर रहे हैं, जबकि अन्य रोबोट के कुछ उपकरण निकाल रहे हैं। फिर रात में वे एक गुफा में चले गए और रोबोट कुछ कीड़े खा रहे थे। जैक ने उनसे पूछा कि क्या आप मुझे शहर जाने में मदद करेंगे? मैं शहर पहुंचने का वादा करता हूं, मैं आपकी बैटरी वापस करूंगा। महिला रोबोट कहती है, हाँ क्यों नहीं, सुबह हम एक कार की खोज करेंगे और शहर की ओर बढ़ेंगे। अगले दिन हम पुलिस अधिकारी के साथी को देखते हैं जो वहां से भाग गया था। वह कंपनी में जाता है और उन्हें सारी बैटरी देता है। उन्हें बताता है कि क्या हुआ था। इस बीच जैक का दोस्त भी वहां आता है और वे पिछले रोबोट के बारे में बात करना शुरू करते हैं कि हमने इसके सिस्टम को देखते हुए उन कार्यों को अन्य रोबोटों में स्थापित किया है कि वे मनुष्यों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और अन्य रोबोट नहीं बनाएंगे। यह मददगार था। वे भी हैरान थे कि आज तक मनुष्य रोबोट प्रणाली से उन नियमों को हटाने में सक्षम नहीं थे। फिर वे उन रोबोटों के बारे में बात करते हैं जिनके पास ये नियम नहीं है। वे उनके बारे में चिंतित थे कि शायद वे उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। वे उन रोबोटों की खोज करने की योजना बनाते हैं। वे उन रोबोटों को यहाँ लाने के लिए जैक के दोस्त को आदेश देते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैक की बेटी इस दुनिया में आती है। जैक की पत्नी अपने पति के बारे में चिंतित थी क्योंकि वह वहां नहीं थी। उसे पता चला कि पुलिस जैक और इन रोबोटों की तलाश कर रही है। दूसरी तरफ हम जैक को देखते हैं जब वह उठता है तो अन्य रोबोट वहां नहीं थे, एकमात्र नीला रोबोट था। यह जैक को बताता है कि अन्य रोबोट रास्ता खोजने जा रहे हैं। यह जैक से पूछता है कि मुझे लगा कि हम केवल पैदा हुए हैं, लेकिन जब मैंने देखा कि आप उस पुलिस अधिकारी को मार देते हैं, इसके बाद मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या हम भी मर जाएंगे? जैक कहता है कि आपको कैसे पता चलेगा। यहाँ जैक अपनी पत्नी को याद करता है। वह जानता है कि उसका बच्चा भी आता है। अब वे इस बीच आगे बढ़ते हैं। जैक किसी को देखता है। यह एक इंसान की तरह लग रहा था, लेकिन जैसे ही जैक ने इससे कपड़ा उतार दिया, यह एक रोबोट था। इसका नाम ब्लू रोबोट था। यह असली नीला रोबोट था। महिला रोबोट में केवल नीले बाल होते हैं, इसीलिए वे इसे नीले रोबोट मान रहे थे।
इस नीले रोबोट को देखकर जैक चौंक जाता है। वह कारखाने के अंदर जाता है। वह वहां रोबोट के कई हिस्सों को देखता है। जैसा कि वह बाहर आता है, वह देखता है कि अन्य रोबोट एक नीला रोबोट बना रहे थे। दूसरी तरफ जैक के दोस्त उसे खोज रहे थे, इसलिए जैक को लगता है कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। वह एक कार के पास जाता है, लेकिन वह देखता है कि इसका कोई कार्य नहीं है, इसका कोई इंजन नहीं है, इसलिए वह उदास हो जाता है। यहाँ और वहाँ देखकर वह अन्य रोबोटों से कहता है कि एक धारा थी, पानी और हरियाली थी, लेकिन देखिए क्या हुआ। नीला रोबोट उसके पास आता है और कहता है कि उदास मत हो, यह दुनिया का भविष्य था। भविष्य में मनुष्य मशीनों के साथ रहेंगे। आपको हमें स्वीकार करना होगा। आपको इस बात से सहमत होना होगा कि रोबोट दूसरों से कम नहीं है। हम खुद बना सकते हैं, इसलिए हमारी मात्रा अधिक है। और देखें कि यह स्थान नष्ट हो गया है। हमें पानी या हरियाली की जरूरत नहीं है। हम यहाँ रह सकते हैं। हम आपको परेशान नहीं करेंगे। आप जा सकते हैं। बस हमारी परमाणु बैटरी लौटाएं। जैक ने अपनी परमाणु बैटरी लौटा दी। फिर हम देखते हैं कि जैक का दोस्त उस जगह पर आता है जहां उस पुलिस अधिकारी का शव था। इस बीच कुछ लोग वहां आते हैं जो वे जैक की पत्नी को पकड़ रहे थे। जैक के दोस्त का कहना है कि इस लड़की को छोड़ दे, लेकिन वे कहते हैं, आप उसकी परवाह क्यों कर रहे हैं? उसका परिवार भी मारा जाता है। जैक और उसकी बेटी अब नहीं है। वे झूठ बोल रहे थे। और इसे सुनने के बाद जैक का दोस्त आक्रामक हो गया। वह उस आदमी को गोली मारने वाला था, लेकिन वह आदमी बच जाता है और जैक के दोस्त को गोली मार देता है और उसे मार देता है। यह एक भावनात्मक दृश्य था। अगली सुबह हम देखते हैं कि जैक जाग गया। जैक के साथ रोबोट ने एक नया रोबोट बनाया है। उसमें वह परमाणु बैटरी थी और वह एक उन्नत रोबोट था। इसके साथ वे जैक के लिए एक नई कार तैयार करते हैं। इसे देखकर जैक खुश हो जाता है। वहां से जाने से पहले जैक उस नीले रोबोट से कहता है कि मैं आपको समझ नहीं पाया, इसके लिए मुझे माफ कर दो। इसके बाद वह कार के साथ आगे बढ़ता है। आगे बढ़ते हुए वह देखता है कि उसका दोस्त वहां गिर गया था। उसे उन बुरे लोगों ने गोली मार दी थी। वह उसके पास जाता है, लेकिन वह बुरी तरह घायल हो गया, लेकिन फिर भी जीवित है। वह अपने दोस्त जैक को बताता है कि वे उसे बचाने के लिए उसकी पत्नी को ले गए हैं। दूसरी ओर लोग जैक की पत्नी को बाहर ला रहे थे, वे उसे कहीं ले जा रहे थे, लेकिन ब्लू रोबोट आता है और उन्हें रोकता है। वे ब्लू रोबोट को अपने रास्ते से हटने के लिए कहते हैं। वह नीला रोबोट कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। इसे देखकर वे लोग आक्रामक हो जाते हैं और वे इसकी शूटिंग शुरू कर देते हैं। वे इसकी व्यवस्था भी निकालते हैं। इस बीच महिला रोबोट और जैक भी वहां पहुंचते हैं। वह उन पर गोली चलाता है। केवल एक आदमी वहां बचा था जो उन बुरे लोगों का नेता था। वह जैक को मारने वाला था, लेकिन वह रोबोट आता है और उस आदमी को धक्का देता है। इसके कारण जैक को बचा लिया गया और वह तुरंत अपनी पत्नी के पास गया। वह अपनी बेटी को अपनी गोद में उठाता है। वह बहुत खुश था क्योंकि यहाँ उसने पहली बार अपनी बेटी को देखा था। इस बीच वह महिला रोबोट भी वहां आती है और ऐसा लगता है कि बच्चा। इसके बाद यह जैक को धन्यवाद कहता है और वहां से निकल जाता है। अंतिम दृश्य में हम देखते हैं कि जैक अपने परिवार से खुश है। यहाँ वह फिर से अपने पिछले फ्लैशबैक को देखता है। तब हमें पता चला कि उसके पास समुद्र की कई यादें क्यों हैं, क्योंकि उन्होंने अपना बचपन यहीं बिताया। वह यहाँ रहना चाहता है। वह प्रार्थना करता है कि जल्द ही दुनिया ठीक हो जाए। इसके साथ यह फिल्म समाप्त होती है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।